दोस्तों हाल ही में दो हसीनाओं को स्पॉट किया जाता है। अनुष्का शर्मा दूसरी बार प्रेग्नेंट है और वो जैकेट पहनकर आई थी ताकि उनका बेबी बम किसी को दिखाई ना दे। ये बैग कोई मामूली नहीं है, इसकी कीमत 1,13,000 है। वहीं मलाइका अरोरा भी स्पॉट की जाती है जहां वो डार्क लिपस्टिक लगाकर जींस और क्रॉप टॉप पहनी हुई दिखाई दी, लेकिन उनका फेस एकदम चुहिया जैसा था। वेल, आपको दोनों में से कौन हसीना अच्छी लगी कमेंट करके। दोस्तों हाल ही में दो हसीनाओं को स्पॉट किया जाता है, रवीना टंडन और समिता शेट्टी। इस दौरान रवीना टंडन एनिमल प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस को पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद ही स्टनिंग लग रही थी। रवीना टंडन 48 की हो चुकी है लेकिन उनकी ग्लैमरस अदाओं पर फैंस दिल हार बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ समिता शेट्टी भी नजर आई। समिता शेट्टी व्हाइट कलर की टी शर्ट और जींस में बेहद ही स्टनिंग लग रही थी। आपको इन दोनों में से किसका लुक ज्यादा अच्छा लगा? दोस्तों हाल ही में काजल देवगन को स्पॉट किया गया जहां वो डायरेक्टर आनंद के बर्थडे पार्टी में पहुंची हुई थी। उस इवेंट में शाहरुख खान से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे थे और काफी ज्यादा पुराने सेलिब्रिटीज 90s के हीरो भी पहुंचे थे, लेकिन काजल ने सारी पार्टी की लाइमलाइट चुरा ली क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा खूबसूरत साड़ी वेयर किया हुआ था। ये सिल्वर कलर की साड़ी उन पर बहुत ज्यादा सूट कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी कर दिया। लोगों ने कहा बिना पेटीकोट के चली आई है, दो बच्चों की माँ होकर भी इतना ज्यादा फैशन अच्छा नहीं लगता। तो किसी ने कहा कुछ ज्यादा ही मोटी है। वेल, आपको इनका लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।